कुछ दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता हैं, मुझे तो कई बार शक होता है कि बीजेपी ने जबरदस्ती आपके यहां भेज दिया है। नहीं, वो शक हो सकता है, बीजेपी ने, बीजेपी को शक हो या बीजेपी से आए हो, इस नहीं, मुझे शक होता है बीजेपी को, नहीं मुझे शक होता है। मैंने आपसे उस बात पे कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने समय समय पर भगवान श्री राम या और भगवानों के बारे में क्या कहा है, वो बातें मैं कह भी नहीं सकता हूं। तो अगर वो उम्मीद करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर कार्रवाई मैं करूं, तो कम से कम वो अपने लीडर्स पे भी तो कार्रवाई करें। क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि मां सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है? कोई स्वीकार नहीं कर सकता। तो सजा दे बीजेपी उनको? नहीं, बिल्कुल बीजेपी को अगर कार्रवाई करने से सजा देगी तो हम भी सजा देंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद ने बीजेपी से, पर स्वामी प्रसाद मौर्य नॉनस्टॉप बोल रहे हैं, अब उन्होंने बोल दिया कि हिंदू धर्म एक धोखा है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। श्री रामचरितमानस के बारे में उन्होंने कितनी खराब बात बोली। मैंने ये कहा कि पीडीए भगवान है जी, तो क्या गलत कह रहा हूं मैं इसमें? तो पीडीए भगवान है, बाकी नहीं। मैं ये कहूं कि जब मैं मुख्यमंत्री आवास से गया, बीजेपी ने क्या कार्रवाई की कि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया आपने? क्या आप एक मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाएंगे? क्या कार्रवाई की आप बताइए मुझे। अब देखिए, अगर आपके पास जवाब है इसका, क्या मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं तो आपके पास द्वारा आएंगे उनसे पूछूंगा। लेकिन एक एक सवाल, आपने बोला पीडीए भगवान है, तो क्या सिर्फ पीडीए ही आपका भगवान है, बाकी नहीं? एक सवाल उठेगा। आप फिर हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे, भारत को नहीं समझ रहे हो। अरे भाई, मंडे को कौन से भगवान है बताइए आप? ट्यूजडे को कौन से भगवान है? वेनेसडे को कौन से भगवान है? बृहस्पति को कौन सा हम व्रत रखते हैं? शुक्रवार को हम कौन सा व्रत रखते हैं? और हर दिन का, हर भगवान का कलर भी है, इसलिए ये मत समझिए। तो पीडीए भी वही हिस्सा है। और अगर वेदांत आप पढ़ोगे जी, हम में आप में सब में भगवान है। क्या हम में आप में भगवान नहीं है? आप में भगवान नहीं है? अब मुझे तो पता नहीं है। लो, भगवान को मानता हूं मैं। सनातन की बात मत करिए। अगर आप सनातन की भी बात करता हूं, अगर ये बात नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि जिसके अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप में भगवान, हम में भगवान, इंटरव्यू में आपका ले रहा हूं, आपने मेरा लेना शुरू कर दिया। नहीं, मैं थोड़ी देर तो सोच रहा था कि मैं, चलो मैं आपसे उलझू नहीं, आपकी जो मैं है उसी में मैं हो जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। लेकिन अखिलेश जी, दिल्ली का रास्ता कहते हैं उत्तर प्रदेश से जाता है, और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस है, सीटों का क्या हो रहा है? मायावती जी आपसे नाराज हैं, उन्होंने तो, वो अब कांग्रेस उनसे पीछे से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है, क्या होगा? आप देखिए, कोई नाराज नहीं है, और अभी आरएलडी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है, बहुत अच्छी बातचीत के साथ हम लोगों ने तय कर लिया है कि 7 सीटों पर हम आपस में बैठ करके कौन कहां लड़ेगा वो फैसला हो गया। इसी तरह बहुत जल्दी आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ भी बातचीत होगी, और हमारा जीत का है, सीट का सवाल नहीं है, जो जीतेगा वो लड़ेगा चुनाव। ये हमारा समझदारी का गठबंधन है, हम समझदारी के साथ जीत कौन रहा है उस पर फैसला लेंगे। लेकिन मायावती जी नाराज हो गई, उन्होंने आपको गिरगिट कह दिया, क्या कहना चाहते हैं आप उसमें? नहीं, वो मेरे लिए नहीं कह रहे थे, वो जो प्रधान बार बार बदल के आते हैं उनके लिए वो कह रही थी, और मैंने उनसे कहा, और उनके बारे में फिर मैं कोट करता हूं आपको, कि पूरे समाजवादी लोग 2019 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। ये हमारे समाजवादियों का सपना नहीं पूरा हुआ, बहुजन समाज के लोगों का सपना नहीं पूरा हुआ, तो हमारा उनका कोई झगड़ा नहीं है। बीजेपी वाले चाहते हैं कि हमारा उनका झगड़ा हो जाए, पर बीजेपी ने थोड़ी आपको ये शब्द बोले, मायावती ने बोले, बोले तो मैं बाइट प्ले करके दिखा देता हूं आपको। वो मेरे लिए नहीं बोला है उन्होंने, मैं जैसे सपा पार्टी के सुप्रीमो, सपा पार्टी के सुप्रीमो आप ही हैं, वो कहना कुछ और चाहती रही होंगी या कुछ दबाव रहा होगा जिसकी वजह से कुछ और कह दिया उन्होंने। क्या दबाव रहा होगा? आजकल तो सब जानते हैं क्या दबाव है आजकल, बोल दीजिए आप पर तो कोई दबाव नहीं है, तो आप तो बोल ही दीजिए दबाव कौन सा है। हमने तो अपनी पूरी राजनीति कर ली है, अब क्या दबाव हमारे पे? अब सोचो दबाव क्या होगा हम पे? बीजेपी की समझ देखिए आप, हमने तो गोमती पर रिवर फ्रंट बनाया, नदी पर रिवर फ्रंट बनाया, बीजेपी को बोल नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं, बताइए हद हो गई, कोई नाले पर रिवर फ्रंट बनाता है? लेकिन और हमने गुजरात से अच्छा बनाया,
मैं आज भी आपसे दावा लेकिन गुजरात में 25 साबरमती से अच्छा रिवर फ्रंट अगर किसी ने बनाया तो वो समाजवादी पार्टी ने बनाया, समाजवादी सरकार में ने बनाया। नहीं, चलिए रिवर फ्रंट आपने शानदार बनाया, लेकिन 25 साल से लगातार बीजेपी की गुजरात में सरकार है और इस बार तो 150 सीटों वाली सरकार आई है। ये कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं है, इसलिए हम आपकी पार्टी नहीं है, कांग्रेस है। और यहां पर कैसे सरकार बनी है? जो लोग सुबह से शाम तक कहते हैं चल सन्यासी मंदिर में, गले मिल ले उससे, अगली लाइन नहीं मैं बोल सकता हूं। आप सोचो अगर किसी को गाना याद हो तो बताएं, चल सन्यासी मंदिर में, उसकी लाइन अगली क्या है? सोचो आप, उन्हें गले मिला रहे हैं। ये राजनीति है। इन्होंने भगवान के बारे में क्या क्या नहीं कहा, उन्हें अपने साथ ला करके बैठाए हो आप। इसलिए पीडीए ही जिताएगा। और नीतीश कुमार ने एक बात बोली कि अगर कांग्रेस जल्दी सीटों का बंटवारा नहीं करेगी तो मामला गड़बड़ होगा। ओवरलोड डंपर जब्त, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विभाग की कार्रवाई, भोगिका तिराहे के पास पकड़ा गया डंपर। इंदौर में रामलला को भेंट की जाएगी आदिवासी के हाथों से बना तीर कमान। तीर कमान को लेकर अयोध्या रवाना हुए वनवासी सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन संयोजक की घोषणा क्यों नहीं हो पा रही? वो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे सपने दिखाए थे, आय दोगुनी का, बेरोजगारी खत्म करने का जी, स्मार्ट सिटी पर वो नए शहर बसाने का, स्मार्ट सिटी बसाने का, ये मेट्रो लगाने का, बनाने का जी, आपके तमाम सुविधाएं देने का, आज आपकी जीडीपी कहां पहुंच गई, आप अर्थव्यवस्था में कहां पहुंच गए, आपका कोई निवेश नहीं आ रहा, बैंकें डुबा दिया आपने। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा इस सवाल के बाद, वो मेरा ये मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। बीजेपी का कैंडिडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और बीजेपी कहती है परखा हुआ है, खरा है। आपको नहीं लगता कांग्रेस और इंडिया अलायंस का कैंडिडेट ना होना नुकसानदायक होगा? पब्लिक किसके लिए वोट करेगी? पूर्व में भी बिना प्रत्याशी घोषित किए भी प्रधानमंत्री बने, दौर और था, पर वो दौर और था, कोई बात नहीं, दौर कोई और भी हो लेकिन राजनीति तो वही है, हमारे पास चॉइस है। और अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, उदाहरण के लिए आप बताइए जी, क्या अग्निवीर जैसी व्यवस्था देश को सुरक्षित करेगी? और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लागू की गई क्योंकि गांव के पिछड़े दलित, इनके नौजवान भर्ती हो जाते थे फौज में, उनका घर परिवार की स्थिति बेहतर हो जाती थी। ये बीजेपी ने सर्वे कराया और उन्हें महसूस हो गया कि इससे आर्थिक स्थिति गांव के लोगों की बेहतर हो रही है, इसलिए उन्हें जो पक्की नौकरी वाली व्यवस्था उसको खत्म कर दिया। क्या अग्निवीर हम स्वीकार करेंगे? जी, कोई देश का नौजवान अग्निवीर को स्वीकार नहीं करता। मैं आपको तस्वीरें दिखाने वाला हूं। पहली तस्वीर है अयोध्या की और वो तस्वीर कौन सी है, 1992 की और 2024 की। क्या कहना चाहते हैं इन दो तस्वीरों को देख के? टेंट से महल में आ रहे हैं रामलला। सुप्रीम कोर्ट को बधाई। अगली तस्वीर दिखाते हैं कौन सी आ रही है, अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है, अखिलेश जी और मायावती जी। वो हमारे लिए हमेशा बढ़ी रही हैं और सम्मान से, हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया उनका। अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आती है, क्या कहना चाहेंगे अब इस पे, तो कुछ बोलना पड़ेगा अखिलेश जी। इधर मत बोलिए क्योंकि पहले भी बीमार थे, इधर भी बहुत बीमार हैं, वो स्वस्थ हो जाए जल्दी, वो स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। अगली तस्वीर देख लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गोरखनाथ मंदिर में। इस पे मैं क्या कहूंगा, 46 में 56, क्या बोला आपने, 46 में 56। अच्छा, उन्होंने कभी नौकरी बताई कि समाजवादी सरकार थी तो एसडीएम भर्ती 46 में 56 हो जाते थे। मैं उस दिन से आज दिन तक उनसे सूची मांग रहा हूं कि भाई वो 46 में 56 वाली सूची तो दे दो जी। मैं आपसे भी कहता हूं पर अगर उनका कोई सहयोगी आए तो उससे कहना कम से कम 46 में 56 वाली सूची दे दो। केशव मौर्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो क्या है डिप्टी सीएम, वो क्या है आप, तो क्या था उस समय पद, क्या था पहले, क्या विभाग था उनके पास, अब क्या विभाग है उनके पास? पर है तो डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम आपकी उनकी तकरार बहुत हो जाती है। देखिए नहीं, ये स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी बीजेपी की है कि पिछड़ों को पिछड़ों से बढ़ा दो। वो पिछड़े हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो पिछड़े हैं,
वो पिछड़े इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि पिछड़ों का कितना